Okay, so now it's time to define another state function that is called entropy. Now, what is entropy? Entropy is basically defined first in statistical mechanics. ठीक है, ये डायरेक्टली पहले थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट नहीं था. एंट्रोपी पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के थ्रू हमारे सामने आया. एंट्रोपी इज बेसिकली डिग्री ऑफ रैंडमनेस. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जितना ज्यादा अपनी जगह पर हिल डुल सकता है या फिर जितना ज्यादा वो फ्री टू मूव है, हम बोलेंगे वो चीज उतना ज्यादा रैंडम है. मोर द रैंडमनेस, मोर द रैंडमनेस, तो ऑब्वियस सी बात है मोर इज द एंट्रोपी. हमारा रैंडमनेस जितना ज्यादा होगा, एंट्रोपी भी उतना ही ज्यादा होने वाला है. राइट, ओके. तो एंट्रोपी फंडामेंटली किस किस चीज पर डिपेंड करता है? एंट्रोपी पहला डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे. यानी ध्यान देना, अगर बाकी सब कुछ सेम रख दिया, वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है और दूसरा वाले सिस्टम का भी वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारा सेम है, यहां पर n1 मोल्स है, यहां पर अगर n2 मोल्स है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, तो एंट्रोपी s1 विल बी ग्रेटर देन s2. बाकी सब कंडीशन को सेम रखते हुए अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को बदलू तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे बदल जाएंगे. जितना ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, लॉजिकल बात है, उतना ही ज्यादा हमें रैंडमनेस मिलने वाली है. यानी जिस पे ज्यादा मोल्स उस पे ज्यादा रैंडमनेस. रैंडमनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. दूसरा, अगर मान लो मेरे पास सॉलिड है, उसको मैं कन्वर्ट करता हूं लिक्विड में, और उसको फिर मैं कन्वर्ट करता हूं गैस में, तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड में पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटी जगह पर बाउंडेड होती है. पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव. बहुत ही मामूली सा लेवल पे हमें वाइब्रेशंस जो है वो मिलते हैं. लिक्विड में पार्टिकल्स आर समहाउ फ्री टू मूव, राइट. गैस में पार्टिकल्स पे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो बिल्कुल खुले सांड की तरह कहीं पर भी भाग सकता है, दौड़ सकता है. तो सिंपल सी बात है जो हमारा सॉलिड का एंट्रोपी होंगे वो डेफिनेटली ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू लिक्विड के एंट्रोपी के, जो कि डेफिनेटली ज्यादा होंगे, सॉरी उल्टा, कम होंगे, जो कि डेफिनेटली कम होंगे गैस के एंट्रोपी से. यानी गैस में डिग्री ऑफ रैंडमनेस डेफिनेटली मैक्सिमाइज्ड होगा और सॉलिड में डेफिनेटली वो मिनिमाइज्ड होने वाली है. ओके, थर्ड, मेरे पास एक सिस्टम है, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स n है, वॉल्यूम है v. दूसरे वाले सिस्टम में भी
नंबर ऑफ मोल्स एन है, वॉल्यूम है वी। इसका टेम्परेचर अगर टी वन है और इसका टेम्परेचर अगर टी टू है तो लॉजिकल बात है जिस पे टेम्परेचर ज्यादा होंगे पार्टिकल्स का मोशन वहां पे ज्यादा वेलोसिटी के साथ होंगे, यानी पार्टिकल्स विल डेफिनेटली हैव मोर नंबर ऑफ रैंडमनेस। सो व्हाट आई कैन सी, इफ टी वन इज ग्रेटर दैन टी टू दैट विल इंप्लाई एंट्रोपी, एस वन विल बी ग्रेटर दैन एस टू। अच्छा, फोर्थ केस, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स एन सेम है, टेम्परेचर सेम है और दूसरे में भी एन टी है, पहले वाले को मैंने कन्फाइन किया हूं इन वॉल्यूम वी वन, दूसरे वाले को मैंने कन्फाइन किया हूं वॉल्यूम वी टू पे, तो दोस्तों जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगा हर पार्टिकल के पास फ्रीली मूव करने के लिए डेफिनेटली ज्यादा जगह अवेलेबल होने वाली है। तो सिंपल सी बात है, इफ वी वन इज ग्रेटर देन वी टू that will imply S1 greater than S2। तो कोई एक सिस्टम का एंट्रोपी फंडामेंटली चार चीज पे डिपेंड करता है। पहला है उसमें नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हैं, राइट? वो जितने ज्यादा होंगे एंट्रोपी उतने ज्यादा होंगे। टेम्परेचर क्या है, ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा एंट्रोपी। वॉल्यूम कितना है, मोर वॉल्यूम मीन्स मोर एंट्रोपी। एंड लास्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर, अगर बाकी सब कुछ सेम है तो इन दैट केस सॉलिड का जो एंट्रोपी होगा वो मिनिमम होगा, फॉलोड बाय लिक्विड एंड गैस विल हैव द मैक्सिमम एंट्रोपी। अच्छा ना, एक और चीज इंपॉर्टेंट बात, एमोर्फस substances have more entropy than crystalline substances। ऑब्वियसली बात है, क्रिस्टल में सारे पार्टिकल्स में एक डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, उस पे रैंडमनेस का संभावना काफी कम है, जबकि एमोर्फस में कोई डेफिनेटिव अरेंजमेंट नहीं है, पूरा अरेंजमेंट ही रैंडम है। तो ऑब्वियसली बात है जो चीज जितना ज्यादा एमोर्फस होगा वो उतना ज्यादा हमारा रैंडम होगा, यानी बाकी सारे कंडीशन को सेम रखते हुए अगर मैं ग्रेफाइट और डायमंड को कंपेयर करूं तो ग्रेफाइट विल डेफिनेटली हैव अ हायर एंट्रोपी एज कंपेयर टू डायमंड। ग्रेफाइट विल हैव अ हायर एंट्रोपी देन दैट ऑफ द डायमंड। सो थियोरेटिकली सब कुछ बात सही चल रहा था, लेकिन थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंडमनेस को कंप्यूट करना तो संभव नहीं है। तो वाया एक्सपेरिमेंट लोगों ने डिग्री ऑफ रैंडमनेस को थर्मोडायनामिक में लेकर आया। वो क्या है, ध्यान देना, हमारे पास कोई एक सिस्टम कैसा भी जा रहा है, ए से बी डजंट मैटर, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में टेम्परेचर जो है वो है मेरा टी। अगर प्रोसेस रिवर्सिबली जा रहा है या इरिवर्सिबली जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे जो हीट देना है
वो तो हमें रिवर्सिबली ही देना है, ठीक है। सो रिवर्सिबली डीक्यू रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड टू दिस सिस्टम, राइट। वहां पर उस इंस्टेंट पे टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अगर टी है तो डीएस सिस्टम इज डिफाइंड एज डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। दैट्स द वे द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड, राइट। डेल्टा एस सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, ए से बी चाहे रिवर्सिबली जा रहा है या फिर इरिवर्सिबली जा रहा है, डेल्टा एस जो है वो तो हमारा सेम ही होगा। यानी मैं इसको लिखता हूं, इट डज नॉट मैटर इफ अ सिस्टम इज गोइंग टू बी फ्रॉम ए रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। कैसे जा रहा है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेल्टा एस सिस्टम विल बी सेम। हम कैलकुलेट कर सकते हैं केवल और केवल रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल दिया रहेगा तो पहले हम उसको रिवर्सिबल मानते हुए सॉल्व करेंगे और जो वो एंट्रोपी आया क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है उसी को हम मान लेंगे जो हमारा डेल्टा एस सिस्टम होगा, इवन इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल, क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम एक स्टेट फंक्शन है, राइट। अच्छा, सिमिलरली वी डिफाइन, ऑब्वियस ही बात है अगर सिस्टम को हीट मिल रहा है वो दे कौन रहा है, सराउंडिंग। तो सिमिलरली वी डिफाइन डेल्टा एस सराउंडिंग, राइट। समझ में आया? एक बात ध्यान रखना, एनी हीट एक्सचेंज डन बाय सराउंडिंग is always considered to be reversible, क्योंकि सराउंडिंग हमारा इतना ज्यादा बड़ा है तो सराउंडिंग में कोई भी चेंज को हम ये मानते हैं एक्सट्रीमली धीरे हो रहे हैं, तो सराउंडिंग का जो भी चेंज होने वाला है हम मानते हैं वो चेंज हमेशा ही हमारा रिवर्सिबली ही हो रही है। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में इरिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इज एक्सट्रीमली ह्यूज सराउंडिंग, तो उस कारण पे सराउंडिंग का चेंज को हम हमेशा ये कंसिडर करते हैं, दैट इज
वेरी 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 स्लो. सो द टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस यूनिवर्स दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डेल्टा एस सराउंडिंग. तो ये जो है ये कोई भी प्रोसेस का टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस, राइट. नाउ क्या है फंडा? अ प्रोसेस इज सेड टू बी स्पॉन्टेनियस, यानी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप तभी होंगे अगर डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो. यानी कोई भी प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगा अगर हमारा टोटल एंट्रोपी जो है सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाने के बाद वो टोटल एंट्रोपी डेल्टा एस यूनिवर्स अगर हमारा ग्रेटर देन जीरो हुआ तो तब हम मानेंगे जो वो प्रोसेस जो है वो हमारा स्पॉन्टेनियस है. इफ डेल्टा एस यूनिवर्स कम्स आउट टू बी जीरो, अगर डेल्टा एस यूनिवर्स को हम जीरो मान लेते हैं तो इन दैट केस वी कंसिडर सिस्टम एंड सराउंडिंग टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो अगर डेल्टा एस यूनिवर्स हमारा जीरो हुआ तो हम ये कंसिडर करते हैं हमारा सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो हमारा आपस में इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है. और डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन जीरो के लिए वो प्रोसेस जो है वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है. तो डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन जीरो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस के मतलब ये मत समझना जो वो प्रोसेस हो ही नहीं सकता है. हाँ, वो प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, राइट. वो प्रोसेस जो होगा वो हमारा अपने आप नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल हम उस पर कोई एक्सटर्नल पुश यानी कोई एक्सटर्नल हमारा ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड ना करे, ओके. चलो, तो यहां तक हमने बेसिक एंट्रोपी को डिफाइन कर लिए हैं. तो अब हम लोग धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस करने की तरफ ध्यान देते हैं. क्या है मेरे पास? मेरे पास मास m का एक सब्सटेंस है और ये जो सब्सटेंस है ये अपना मेल्टिंग पॉइंट Tm पे है, ठीक है. इट इज केप्ट एट एन एनवायरमेंट of temperature is equals to T naught. T naught is greater than
टीएम, राइट। ये भी दे रखा है जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो है मेरा एल। प्रेशर कांस्टेंट एज्यूम कर लेना, एक्सटर्नल प्रेशर। कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस यूनिवर्स। और यहां से हमें यह भी प्रेडिक्ट करना है, ऑल्सो प्रेडिक्ट वेदर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और, ये भी हमें प्रेडिक्ट करना है, जो हम ये प्रोसेस किए हैं ये प्रोसेस हमारे लिए स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है। ओके, तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी। अच्छा, नहीं मालूम जो यहां पर हीट एक्सचेंज होगा वो स्लो होगी या फास्ट, यानी प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे या इरिवर्सिबल होंगे, मुझे उसके बारे में कोई मालूम नहीं है, लेकिन मालूम करने की जरूरत भी नहीं है। मैं इसको स्पॉन्टेनियस मान लूंगा, स्लो मान लूंगा, रिवर्सिबल मान लूंगा, और वो मानते हुए जो हमारा डेल्टा एस आएगा वो स्टेट फंक्शन होने के कारण इरिवर्सिबल के लिए भी उतना ही आने वाला है। अच्छा, पूरे मेल्टिंग के दौरान, ड्यूरिंग द होल मेल्टिंग प्रोसेस, पूरे मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान हीट एक्सचेंज्ड इज इक्वल्स टू एम इंटू एल टू द सिस्टम। सिस्टम को एम एल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सप्लाई हुआ है, तो पूरे के पूरे मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान एम एल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमारा सप्लाई हुआ है, राइट। ओके, अच्छा, ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट मेल्टिंग में, जो मेल्टिंग टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा जब तक ना पूरा का पूरा मेल्टिंग हमारा खत्म हो जाए। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट टीएम एंड सराउंडिंग टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट टी नॉट, हाँ कि ना। जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर होगा वो भी हमारा टी नॉट टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट रहने वाला है, राइट। ओके, सो अब मेन बात हम यहां पर समझते हैं क्या करेंगे। तो डी एस सिस्टम क्या होगा, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टीएम द मेल्टिंग पॉइंट। सो डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बाय टीएम द मेल्टिंग पॉइंट, और ये जो है वो एमएल बाय टीएम है,
राइट, क्योंकि सिस्टम को मैं मान लिया रिवर्सिबली हीट मिली है और टोटल हीट जो मिलेगी दैट विल बी एम इनटू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूरा मेल्ट करने के दौरान. सिमिलरली डीएस सराउंडिंग, नाउ इसका जो डीक्यू रिवर्सिबल होगा वो हमारा क्या होगा, माइनस डीक्यू रिवर्सिबल, क्योंकि सिस्टम को जो हीट मिला है वो तो हमें सराउंडिंग से ही मिला है, तो सिस्टम को जितना हीट मिला है वो तो हमारा डेफिनेटली सराउंडिंग ने ही दिया है. एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज टी नॉट, तो मेरे पास ये आएगा डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस एम एल बाई टी नॉट. तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, डेल्टा एस यूनिवर्स दैट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग दैट इज एम एल बाई टी एम माइनस एम एल बाई टी नॉट दैट इज इक्वल्स टू एम एल इंटू वन बाई टी एम माइनस वन बाई टी नॉट. ये आ जाएगा मेरे पास डेल्टा एस यूनिवर्स, राइट. अच्छा ध्यान दिया जाए, अब टी नॉट इज ग्रेटर देन टी एम तो वन बाई टी नॉट इज लेस देन वन बाई टी एम, तो इसका सिंपल मतलब ये है डेल्टा एस यूनिवर्स दैट इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन जीरो. यानी सिंपल सी बात है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. अच्छा ध्यान देना एक और चीज, अगर टी एम टी नॉट जो है वो मेरा टी एम के इक्वल हो जाए तो डेल्टा एस यूनिवर्स मेरा जीरो होगा. ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोई मेल्टिंग पॉइंट के एनवायरमेंट पे ही मैं एक चीज को रखूं तो डेफिनेट सी बात है हमारा जो भी यहां पर है वहां पे सिस्टम और सराउंडिंग में डेफिनेटली इक्विलिब्रियम बनने वाली है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं ध्यान दूं, मैं सिस्टम को एक टी एम से भी कम टेम्परेचर में रखूंगा तो डेल्टा एस यूनिवर्स ऑब्वियसली मेरा लेस देन जीरो होगा, होना भी चाहिए. मेल्टिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर में, फॉर एग्जाम्पल में अगर आइस को माइनस 4 डिग्री सेल्सियस के एनवायरमेंट पे रखता हूं तो डेफिनेट सी बात है जो आइस पिघलने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस वहां पर डेफिनेटली नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाला है. ओके okay?